बॉलीवुड सितारे कैटरीना कैफ और विक्की कौशल फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए, जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में थे। फिल्म देखने के बाद जोड़े ने अपनी सकारात्मक समीक्षा साझा की। विक्की ने कहा कि यह बहुत अच्छी थी और कैटरीना ने इसे अद्भुत फिल्म, अद्भुत बताया। सितारों से सजे स्क्रीनिंग कार्यक्रम में कई अन्य बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई, जिनमें पति रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट, नीतू कपूर, रीमा जैन और रणवीर सिंह का परिवार भी शामिल था। इस अवसर पर मलाइका अरोड़ा, गौरी खान, सारा अली खान, अनन्या पांडे और अन्य लोग भी उपस्थित थे। जैसे ही कैटरीना और विक्की कार्यक्रम स्थल से बाहर निकले, उन्हें पपराजी ने कैद कर लिया। एक जोड़े के रूप में उनकी प्यारी उपस्थिति के लिए प्रशंसकों से प्रशंसा प्राप्त की। कैटरीना छोटी सफेद पोशाक और ऊंची एड़ी वाले काले जूते में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि विक्की ने डेनिम शर्ट और मैचिंग जीन्स पहनी हुई थी। करण जौहर द्वारा निर्देशित रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक पारिवारिक रोमांटिक कॉम है और प्रशंसक इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कुल मिलाकर फिल्म को कैटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिससे इसकी नाटकीय शुरुआत की प्रत्याशा बढ़ गई।